अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ वजीहा मार और आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो विजिट हुआ है सोदिया में उसके बारे में और पाकिस्तान के मौशी हालात के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, बाजवा साहब का जो विजिट हुआ है सोदिया में उसके बाद आपको लग रहा है हालात में बेहतरी आएगी कोई? नहीं, ये तो मतलब कबल अज़ वक्त होगा कहना कि देखें, जब तक उसका ये नहीं पता चलता कि सऊदी ने डिमांड्स क्या की, क्या वो ऐसी डिमांड्स हैं जो हम मान सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद ही क्या हमारे चीफ ऑफ स्टाफ ने क्या रिस्पांस दिया है, उसके बाद जब वो चीज़ें खुलेंगी तो हम उस पर बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये तो मतलब ऑब्जर्वेशन ही करेंगे और अपनी तरफ से बातें करेंगे, क्योंकि कुछ तो हमें अंदाज़ा है कि डेफिनेटली उन्होंने जो पाकिस्तान का फॉरेन अफेयर्स फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से जो बयान गया है उससे रिलेटेड OIC की तरफ से एक नया ब्लॉग बनाने की तरफ से, और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान ने डिमांड की इंडिया के कश्मीर के हवाले से उसके रिलेटेड बात तो डेफिनेटली भी होगी, मगर कितने हद तक बाजवा साहब उनको मनवा चुके हैं और कितने हद तक वो बाजवा साहब को मनवा चुके हैं ये पहलियाँ कुछ दिनों बाद खुली। सर, अभी तक ये बिल्कुल क्लियर भी नहीं है ना, क्योंकि हमें बहुत सारी जगहों से ये पता लग रहा है कि ये शाह महमूद कुरैशी के बयान की वजह से ये सारा कुछ हुआ है, लेकिन अगर हम देखें तो आर्मी वाले कोई इस चीज़ को क्लियरेंस नहीं दे रहे कि वो क्यों विजिट किया उन्होंने। आपको लगता है कि उनको थोड़ा बहुत बताना चाहिए कि नहीं, विजिट तो करना चाहिए ना, देखें करना चाहिए, लेकिन मकसद देखें, एक तरफ से आपका बयान जारी होता है, दूसरी तरफ से एक बंदा उससे बातचीत कर रहा है, ठीक है, स्ट्रेटजी तो बिल्कुल ठीक है, मतलब आप एक तरफ से उनसे बात भी कर रहे हैं और सख्त मुज़ाहमत भी शो कर रहे हैं, ये तो करना पड़ेगा आपको, आप स्ट्रेट अवे उनको नो तो नहीं कर सकते, हम तुर्की नहीं है जो तुर्की कर सकता है, तो हमें अपने हालात को देखते हुए और स्पेशली माशी हालात को देखते हुए हम फैसले लेने होंगे, हम उस तरह के फैसले नहीं ले सकते हैं कि जिस तरह तुर्की, बहुत से लोग यहाँ पे मैं सोशल मीडिया पे देख रहा होता हूँ कि बहुत से लोग ये कह रहे होते हैं कि सऊदी तुर्की ने ये कर दिया और हमारे मुल्क नहीं है, देखिए आप अंडरस्टैंड करें तुर्की कहाँ पर है, उसके हालात कहाँ हैं, हम कहाँ पे हैं, तो हम उसके मुकाबले में कुछ नहीं कर सकते। आपने अगर नॉर्दर्न एरियाज में बैठे हों, ठीक है, तो और यहाँ पे लोग बैठे हुए हों, यहाँ पे कोई टी शर्ट में घूम रहा होता, ज़रूरी नहीं कि आपने नॉर्दर्न एरियाज़ में बैठ के टी शर्ट्स में घूम रहे, आप जब नॉर्दर्न एरियाज़ में होते हैं अकॉर्डिंग टू दैट आप अपनी स्ट्रेटजी बनाते हो, आप जब पिंडी लाहौर में बैठे होते हो अकॉर्डिंग टू दैट अपनी स्ट्रेटजी बनाते हो, इसी तरह माशी हालात, हमारा माशी हालात ऐसा बहुत वीक है इस टाइम पर, देखें हम एक तो कोरोना आया हुआ है जिसने तो रही बची कसर जो थी वो कोरोना पूरी कर दी, ठीक है, अब इस हालात में अगर हम एक कैसी, फॉर एग्जांपल हमें आपको ज़रा थोड़ा से अदाद शुमार बता दूं, रेमिटेंस आया हुआ है सऊदी से जुलाई के महीने में, ठीक है, सऊदी से आया हुआ है 821 मिलियन, ठीक है, यूए से 538 मिलियन, ठीक है, एंड फिर उसके बाद यूएस से 250 मिलियन, ठीक है, एंड डॉलर्स में, अब इसको ज़रा क्यों, ये जुलाई का महीने का सिर्फ है, क्या हमारे जो हुकूमत या हमारे लोग में इतनी कैपेसिटी है कि इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकें? सर, लेकिन इस ये जो आप फिगर्स बता रहे हैं मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इससे इकॉनमी में थोड़ा बहुत फर्क नहीं पड़ा है? देखिए आ तो रहा है ना, अभी तो उन्होंने स्टेप नहीं लिया है, ठीक है, तभी तो मीटिंग्स हो रही हैं, ठीक है, ये जो मीटिंग्स थी इसी बारे में थी कि थोड़े से माहौल को जो टेंस हुआ है उसको सॉफ्ट किया जाए, अगर लोग ये समझ रहे हैं कि बाजवा साहब गए हुए और वहाँ पे उनको दो टोक बातें करने गए हुए, दो टोक बातें करने नहीं गए हुए, उस चीज़ों को सॉफ्ट करने गए हुए, और अगर लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि उधर वो पाकिस्तान को सख्त ले जाओ और सख्त तरीके से, सर सुनने में ये भी आया था कि लास्ट मीटिंग में भी कॉल हो रही है सोदिया से जो हमारी है, नहीं ये तो मैंने कहा था, नहीं देखिए ये मीटिंग डिसाइड करेगा कि हम स्टैंड कहाँ करते हैं, अगर इस दफ़ा हम बैकफुट पे चले गए तो उनको पता है, ठीक है, और अगर हम फ्रंट फुट पे खेलेंगे तो फिर हम हमारी आवाम को थोड़ी और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, अब हमारी आवाम की डिमांड्स भी तो देख लेना, अभी वो कह रहे नारे नारे लगाएंगे, जोश खरोश दिखाएंगे, फलाना सब कुछ करेंगे, मगर अगर 5 रुपये लीटर महंगा हो गया ना तो इनसे बर्दाश्त नहीं होना, देखिए आप अपने आप को पहले खुद डिसाइड कर लें कि आप इस चीज़ के कैपेसिटी रखते हैं कि ये चीज़ें बर्दाश्त कर सकें या नहीं, या आप इस चीज़ के लिए रेडी हैं कि कुर्बानी दे सकें, ठीक है,
क्या ये चीज़ें नहीं हो सकती कि आप एक्सपेक्ट कुछ करें और उसके लिए कोई कुर्बानी। देखें अगर लोग तुर्की और मलेशिया के एग्जाम्पल तो देते हैं मगर ये कभी भी स्टडी नहीं करते हैं कि जब उन्होंने बदलाव लेके आ रहे थे तो उन्होंने कौन कौन सी सख्तियाँ झेली हैं, किस किस्म की, वो कोई नहीं स्टडी करता। बदलाव दोनों तरफ से होते हैं, अवाम और हकूमत। हाँ, अगर दोनों एक पेज पे हो तो फिर आप निकल सकते हो, मगर अगर आप कहते हो कि तो जो गवर्नमेंट है वो खुद ठीक करे या गवर्नमेंट कहे कि आवाम खुद ठीक करे तो नहीं हो सकता, दोनों को मिलजुल के काम करना होगा तभी कोई बदलाव आएगा। सर अगर पाकिस्तान के हालात सऊदीया से इन फ्यूचर ख़राब हो जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि इकॉनमी पे कितने असरात होंगे? नहीं, डेफिनेटली इकॉनमी पे तो बड़े बुरे असरात होंगे क्योंकि हाईएस्ट। अब ये अब इसमें दो से तीन चीज़ें देखनी पड़ेगी। सबसे पहले जो मेरे सोर्सेज हैं, जो इंटरनेशनल, क्योंकि मैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे ही रहा हूँ 10-11 साल, जो मेरे सोर्सेज हैं दूसरे इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं उनके साथ, रशिया ने एक ऑफ़र दी हुई है पाकिस्तान को, एंड तुर्की भी और मलेशिया भी किसी हद तक आगे बढ़ चुके हैं, और अगर ये नवंबर महीने तक है, अगर जो बाइडन आ जाते हैं तो ईरान पे सेंक्शंस बड़े तक हट जाते हैं तो फिर हमारे वो तेल का मसला भी हल हो जाता है, और ये बात सऊदी भी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। अगर वो हमारा मसले वो हल हो जाते हैं और रशिया इन लोग पाकिस्तान, पता नहीं पाकिस्तान से डिमांड क्या करेंगे, अगर वो एक्सेप्ट चीज़ें हो जाती हैं तो फिर सऊदीया ने जो गेम प्ले किया वो खुद ही फंस जाएगा उसमें। मतलब फिर सऊदीया हो ना हो हम लोगों को इतना मैटर नहीं करेगा। नहीं, फिर डेफिनेटली आप रशिया से जो आपके तरफ आएगा, जो आपको तुर्की की तरफ से आएगा, जो आपको मलेशिया की तरफ से आएगा, जो आपको ईरान की तरफ से जो फैसिलिटी, देखें फॉर एग्जाम्पल आपको अभी 500 रुपये लीटर मिल रहा है और एक साल के पेमेंट के बाद, मतलब एक साल के बाद आपने पेमेंट करनी, वही चीज़ आपको 4-4.5 रुपये पे भी वो दे सकते हैं ईरान, क्योंकि उन्होंने भी मार्केट मेन करना है और उनको भी कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी, वो अपना प्रॉफिट कम कर देंगे या हो सकता है वो विदाउट इंटरेस्ट आपको तेल फराहम करें, ठीक है, तो फिर आप कंपीट कर सकते हो। मगर जब तक ये चीज़ें हैं, और मुझे लगता भी है कि जो ये बाजवा का जाना है ये भी नवंबर तक चीज़ों को घसीटने तक है, चाहे वहाँ तक लेके चले जाएं और उसके बाद जो फाइनल डिसीजन लेनी है उसके बाद क्लियर होगा कि क्या होता है, क्या होने। सर आप मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि सऊदीया जो है वो पाकिस्तान को प्रेशर कर रहा है इस चीज़ पर कि जैसे यूएई ने इसराइल को एक्सेप्ट किया है हम भी कर लें? देखिए आप जब एक बड़ा गेम खेलते हैं ना तो उसके लिए आप चीज़ें अरेंज करते हैं। अब मुझे नहीं लगता ये सब कुछ कोइंसिडेंस, मतलब कोइंसिडेंस हो गया और अचानक से यूएई ने उसको एक्सेप्ट कर दिया, पाकिस्तान को ये 3 बिलियन तो दिए गए हैं, ये जो पेट्रोल और ऑयल वगैरह सारा कुछ दिया गया है, और सऊदी जो बैकफुट पे है, ओमान, उर्दन और बाकी ने जो उनको खैर मकदम किया है, ठीक है, ट्रंप का इलेक्शन का आना, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये प्लानिंग का हिस्सा होते हैं, ठीक है। अब वही प्लानिंग का हिस्सा आगे बढ़ रहे हैं। अब आप प्लान में दो किस्म के होते हैं, या तो आपकी प्लानिंग आप कामयाब हो जाते हैं, मैंने पहले कहा कि या नाकाम। अगर जो रशिया, क्योंकि रशिया भी इस टाइम पीछे नहीं हटेगा डेफिनेटली, क्योंकि उसको भी एक चांस मिला हुआ है और वो जो मैक्सिमम कोशिश कर रहा है कि हर वो मुल्क जिसको वो अपने साइड पे कर सकते हैं वो करने जा रहे हैं, और पाकिस्तान का बींग जिस जगह में वो रह रहा है, मतलब मौजूद है पाकिस्तान का खिता, वो बड़े इम्पोर्टेंस रखता है, तो उस चीज़ से और फिर रशिया और चाइना के जो करीबी ताल्लुकात बनते जा रहे हैं उस चीज़ों को देखते हुए, तो अब जो है वो भी इन होगा और डेफिनेटली उन्होंने भी कोई ऑफ़र दी होगी। अब फिर इस पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे है कि वो इसको प्ले कैसे करते हैं, वो ज़्यादा डिपेंड करता है। लेकिन बात तो वही है ना कि हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो सऊदीया हो कोई भी कहे, हमें इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। देखिए मैं और आपको यहाँ पर बैठ के एक चीज़ बड़ी आसानी से कह सकते हैं ना कि हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, बट मैं अगर आपसे इसी टाइम पे सवाल कर लूँ कि आप 2 साल बगैर ब्रांड के शूज़ कोई कपड़ा खरीदे बगैर गुजारा कर सकती हैं? तो ऐसा नहीं हो सकता। आज जब नहीं हो सकता, आप एक नया जोड़े की कुर्बानी देने को नहीं दे कह रही हैं, तो उनको भी अपनी आवाम का पता है, तभी तो वो इतनी टफ डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है, उनको देखना पड़ता है उनको रिएक्शन। और दूसरी तरफ से जो अपोजिशन ताक में बैठी हुई इस टाइम कुछ भी आगे पीछे करने का ना, डेफिनेटली इस टाइम नून लीग ने भी कहा होगा, पीपल्स पार्टी ने भी सऊदी को कहा होगा, एक और ट्राई, मतलब स्ट्राइक द मोर,
यहाँ पे करो जाके, यहाँ पे गलती हो वहाँ उठे, हम आएंगे तो हम ये करेंगे, बिल्कुल ठीक है, वो बैठे हुए और वो उस चीज़ को कैच करेंगे। तो पीटीआई को और एस्टेब्लिशमेंट को सब चीज़ें दिख रही हैं और अकॉर्डिंग टू दैट उन्होंने फैसला लेना है, इसलिए उनके लिए फैसला इतना आसान नहीं जितना आप समझती हैं, थोड़ा मुश्किल है, काफ़ी थोड़ा नहीं काफ़ी मुश्किल हाँ। बात है। अच्छा सर, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी के हालात हैं, हम सब जानते हैं कि ये सिर्फ कोरोना की वजह से नहीं, पहले से भी ख़राब थे, तो आपको क्या लगता है कि ज़्यादा जो बदतरीन हालात हो गए वो इमरान खान की पॉलिसीज़ की वजह से हुए या कोरोना की वजह से ज़्यादा? नहीं, पॉलिसीज़ तो इमरान खान, मैं कहते हैं मैं हमेशा इमरान खान को दो पेज पे देखता हूँ, दो पेज इन द सेंस के एक पेज वो है जो इंटरनली मामला आते हैं उनके, एक पेज वो है जो इंटरनेशनल आते हैं। जो इंटरनेशनल में मैं उसकी बिल्कुल उसको एग्री भी करता हूँ और उसको सपोर्ट भी करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा जिस तरफ से जा रहा है, जिस तरह वो प्ले कर रहा है बहुत अच्छा, मगर इंटरनली उन्होंने बड़े इतने ज़्यादा मास्क खोल दिए कि उनसे खुद भी नहीं संभाले जा रहे, ठीक है। और ये बात बिल्कुल इमरान खान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो खुद भी एक्सेप्ट कर चुके हैं कि वो तैयार, उनकी टीम तैयार नहीं थी, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आप देख लें, दो महीने एक सेक्रेटरी रहता है, अगले महीने दो महीने के बाद एक सेक्रेटरी चेंज होता है, डीसी चेंज हो रहे हैं, तो कभी मुशीर चेंज हो रहे हैं, ठीक है, मिनिस्टर्स चेंज हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये कन्फ्यूजन वाली हालात में ये सब कुछ होता है, तो कन्फ्यूज तो है। और जो रही कुछ ही बस कसर थी ना, वो कोरोना ने आके आके पूरी कर दी, और डेफिनेटली इमरान खान की अपनी पॉलिसी भी रिलेटेड इंटरनल पॉलिसी जो थी वो ठीक नहीं थी, क्योंकि उन्होंने एक चलती मईशत को एकदम एक दिन में ऑफिस बनाने की कोशिश की आवाम को। लीडर मतलब जितना मर्जी अच्छा हो लेकिन उसकी टीम बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है इन सब चीज़ों, पॉलिसी बहुत मैटर करती है, उन्होंने पॉलिसी गलत बनाई है। मतलब एक दिन में आप सब कुछ सुधारना चाहते थे, मतलब अपने सेम टाइम पे शुगर माफिया के भी अगेंस्ट खड़ा होना है, आपने लैंड माफिया के अगेंस्ट भी करना होना है, आपने मीडिया के अगेंस्ट भी खड़ा होना है, आपने वॉर अगेंस्ट टेरर के अगेंस्ट भी खड़ा होना है, करप्शन के अगेंस्ट भी खड़ा होना है, जो रियल स्टेट है उसके अगेंस्ट में, मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट भी खड़ा होना है, आपने ब्लैक मनी को भी कवर करना है, आपने जो है अपने निज़ाम को भी ठीक करना है, आपने स्ट्रक्चर भी ठीक करना है, एस्टेब्लिशमेंट भी ठीक करना है, ऐसा एक साथ और नहीं, पांच साल के अंदर तो कभी भी नहीं हो सकता। नहीं, आप उसमें बेहतरी स्लोली ग्रेजुअली लेके आ सकते थे, मगर इमरान खान ने मेरे ख्याल में जो मेरा नजरिया है वो तेजी दिखाई है, जो जो करना चाहिए वो स्लोली ग्रेजुअली जाते हैं, एक दो डिपार्टमेंट्स को ठीक करते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और एकदम सब कुछ जैम कर दिया उन्होंने, ठीक है, जिसके वजह से बिजनेस ठप हो गया, और ठप होने के साथ साथ ऊपर से कोरोना पहुंच गया अपने टाइम पे, तो उसने बाकी सारे जो लिमिट्स थे वो उसने पूरे कर दिए। तो सर अब सिचुएशन आपको पता है कितनी ख़राब हो चुकी है इकॉनमी की, तो अब हमें क्या इकदाम लेने चाहिए इनको ठीक करने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो बिजनेसमैन है, आपका तबका है ना जो आपको पाकिस्तान को चलाता है, या आवाम को जो पैसे मूवमेंट जनरेशन होती हैं उसको आपने बिल्कुल रोका हुआ है, आप उसको चलाना स्टार्ट कर दें, आप ये जो आपने सख्तियाँ की हुई हैं फिलहाल इसको लूज आउट कर दें। सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। नहीं नहीं, कहने की बातें हैं, स्टिल सब कुछ हो रहा है, ठीक है, इसीलिए तो लोग नहीं कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, ठीक है। और फिलहाल आपने पॉलिटिकल जो है अपनी जो जो मेरे मेरा एक मशवरा के खैर वो उनके पास मुशीर बहुत ज़्यादा है, मशवरा मेरा यही होगा कि जो पॉलिटिकल डिस्टेंस उसने बनाई हुई है बाकी पार्टीज के साथ, ठीक है, आप उनको नीचा दिखाने में इतने मशगूल हो गए कि आप अपनी आपको नहीं देख पा रहे कि आप कितने नीचे आ गए, ठीक है, तो वो उसको ज़रा कम करनी चाहिए, और पॉलिटिकल जो डिस्टेंस है ना पार्टियों के साथ वो उसको कम करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। अगर चलेंगे तो हम मिल के तो नहीं चल सकते, वो मैं मानता हूँ, ये वैसी ख्याली बातें, मिल के नहीं चल सकते, मगर आप जिस तरह एग्रेशन से उसकी तरफ जा रहे हैं ना, वो एग्रेशन खत्म कर सकते हैं, वो ख़त्म करना भी चाहिए। ठीक हो गया सर, इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम को एंड की तरफ लेके जाते हैं, आप जाते जाते कोई मैसेज इस पाकिस्तान की इकॉनमी के लिहाज से देना चाहें कुछ भी? मैसेज तो मैं वो सारी बातें हम कर चुके हैं, सच मैसेज तो नहीं है, बस ये है कि दुआ कीजिएगा और अल्लाह ताला हमें इस वबा जो कोरोना नाम है उससे भी हमारी जान छुटे और बिंग को सारी कड़ी हो जाएँ और अपनी मेहनत करें। मुश्किल हालात जो है वो आते रहते हैं और मुश्किल हर अंधेरे के बाद उजाला होता है, तो हिम्मत नहीं हारनी और अपने काम जारी रखना। एक अगले दिन एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने पेश खिदमत होंगे और एक नए मौजू के साथ, और इस पर बातचीत करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।